हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन जीशान तंजीम यूट्यूब चैनल इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न वट आर द करेक्ट मैथड मैथड्स और प्रोसीजर्स टू इशू वर्क परमिट यहाँ पे तीन चीज हम लोग सीखेंगे वर्क परमिट को इशू कैसे किया जाता है परमिट टू वर्क को ऑथोराइज कैसे किया जाता है और परमिट टू वर्क को क्लोज आउट कैसे किया जाता है ना दीज आर द्री थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे नाउ मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्या ऑलमोस्ट जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो मैकेल हो इलेक्ट्रिकल हो ऑयल एंड गैस हो ऑफ शोर प्रोजेक्ट्स हों प्रेस इंडस्ट्रीज हों सभी जगह पे हाई रिस्क वर्क एक्टिविटीज़ के लिए परमिट का यूज़ किया जाता है तो अगर आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड आपको आइडिया नहीं है परमिट टू वर्क कैसे इशू किया जाता है और या फिर आपने रिसेंटली कोर्स किया हेल्थ एंड सेफ्टी का या फिर आप कोर्स कर रहे हैं एंड यू आर कन्फ्यूज कि परमिट टू वर्क में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुलॉर ऑल द ग्रूप ऑफ पीपल एट द फर्स्ट विल वी शैल टॉक अबाउटिशन वट इज़ परमिट टू वर्क एज यू कैन सी हीयर Permit to work is a systematic process used to authorize work in a controlled manner in potentially hazardous situation. मतलब ये हुआ कि permit to work एक systematic process होता है जिसके जरिए किसी भी certain काम को authorize किया जाता है कि मतलब आप ये काम को कर सकते हैं for a certain time period. कंट्रोल मैनर में मतलब इस तरह से कि सारे रिस्क को वहाँ कंट्रोल किया जाए और सारे सूटेबल कंट्रोल मेजर को वहाँ पर लगाया जाए इसके लिए परमिट टू वर्क का यूज किया जाता है परमिट टू वर्क एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हर कंपनी में कुछ सर्टेन लोगों को ऑथराइज किया जाता है कि आप परमिट टू वर्क इशू कर सकते हैं जनरली कंपनीज में ये जिम्मेदारी सेफ्टी डिपार्टमेंट को दी जाती है बहुत सारे कंपनी में जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं टास्क इंचार्ज होते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दे दी जाती है लेकिन मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में ऑथराइजेशन मतलब साइन करने का जो काम होता है जिसके बाद काम शुरू कर सकते हैं ये जिम्मेदारी सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर ही होती है नाउ वी शैल डिस्कस द स्टेप्स अब हम लोग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए परमिट टू वर्क सिस्टम को आप ऑथराइज कर सकते हैं या साइट पर इशू कर सकते हैं नाउ ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस मोस्टली कंपनीज में फॉलो किया जाता है इवन मैंने भी जिस कंपनीज में जॉब किया है वहां पर भी सेम सिस्टम फॉलो किया जाता था सो पहला सबसे पहला क्या किया जाता है द फर्स्ट स्टेप इसकी जो टास्क इंचार्ज जो है मतलब जो फोरमैन या सुपरवाइजर है जिसको काम करवाना है वो जाएगा परमिट इशूअर के पास कि भाई मुझे काम करना है परमिट इशूअर कौन हो सकता है ये आपको ऑपरेशनल uh, मैनेजर हो सकता है डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है या फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो सकता है तो वो जाएगा परमिट ईश्वर के पास परमिट ईश्वर के पास जाने के बाद वो डिटेल्स बताएगा कि सर मैं ये काम करने वाला हूँ तो परमिट ईश्वर बताएगा कि इस काम में कौन सा परमिट लगेगा तो कौन सा काम है काम कहाँ पर होने वाला इट मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन लोकेशन ऑफ द जॉब है ना आपका डेट कौन सा है परमिट नंबर कौन सा है कौन सी कंपनी परमिट लेकर जा रहा है सुपरवाइजर का नाम क्या है क्या क्या वर्क एक्टिविटीज़ की जाएंगी किस तरह के इक्विपमेंट से काम किया जाएगा ये सारी डिटेल जो है परमिट इश्यूअर उस परमिट में फ़िल करेगा और फिल करने के बाद परमिट क्या करेगा वो हैंड कर देगा किसको परमिट रिसीवर को सो so, परमिट इश्यूअर इशूज़ द परमिट इसके बाद परमिट इशूअर परमिट हैंड कर देगा रिसीवर को अब जो परमिट रिसीवर है जनरली केसेस में परमिट रिसीवर कौन होता है सुपरवाइजर होता है फोरमैन होता है चार्जेंट होता है टास्क इंचार्ज होता है कुछ कंपनीज़ में सीनियर वर्कर्स भी होते हैं तो जो परमिट रिसीवर है ये क्या करेगा परमिट में जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा जैसे कि फॉर एक्जाम्पल अगर वो परमिट वर्क का वेल्डिंग के लिए परमिट इशू किया गया है तो वो साइट पर जाएगा जहाँ पे काम करना है वहाँ जाने के बाद वहाँ पे अगर फ्लैमेबल मटेरियल है तो फ्लेमेबल मटेरियल को वहाँ पर क्या करेगा रिमूव करेगा रिमूव करने के बाद वहाँ पे एरिया बैरिकेड करेगा बैरिकेट करने के बाद वहाँ साइन बोर्ड लगाएगा फिर वहाँ पे एक फायर वॉच को अपॉइंट करेगा उसके बाद फिर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे ला के रखेगा जो वर्कर्स हैं वर्कर्स को वहाँ इकट्ठा करेगा उनको ब्रीफ ट्रेनिंग दी जाएगी ये सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा फुलफिल करने के बाद बहुत सारे कंपनीज में जो परमिट रिसीवर है अगर वो फोरमैन है या फिर सुपरवाइजर है तो उसको अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम इंजीनियर और मैनेजर बहुत सारे परमिट में इसका ऑप्शन होता है बहुत सारे परमिट में इसका ऑप्शन नहीं होता बट दिस इज इंपॉर्टेंट तो क्या होता है परमिट रिसीवर गेट्स अप्रूवल फ्रॉम इंजीनियर और मैनेजर ये वहां से अप्रूवल लेगा अप्रूवल लेने के बाद जो परमिट रिसीवर है जिस बंदे को काम कराना है मतलब टास्क इंचार्ज ये कॉन्टैक्ट करेगा एरिया सेफ्टी ऑफिसर को मतलब अगर सेफ्टी ऑफिसर वहां पे मौजूद है जनरली परमिट इशूअर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर को कॉन्टेक्ट करके बता देता है कि तुम्हारे एरिया में इतने नंबर लोकेशन के लिए परमिट इशू किया गया है तो परमिट रिसीवर सेफ्टी ऑफिसर को कांटेक्ट करेगा मतलब आपको कांटेक्ट करेगा कि सर ये परमिट है आप आकर इसको ऑथराइज कीजिए उसके बाद क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्ट दी वर्क एरिया एंड इंश्योर्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड देन ही ऑथोराइजेज द पीट सेफ्टी ऑफिसर आपको जब कॉल जाएगी तो आप वहाँ साइड पर जाइएगा आप परमिट में जो चेकलिस्ट है आप चेकलिस्ट को देखिएगा और इन्श्योर कीजिएगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे होनी चाहिए सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर फुलफिल की गई हैं आप चेकलिस्ट पे टिक मारिएगा यस yes, नो no, जो भी है उस पर आप टिक मारिएगा कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल की गई है और उसके बाद आप वहाँ पर डेट एंड टाइम फिल कीजिएगा मतलब परमिट की वैलिडिटी आप फिल कीजिएगा कि दिस परमिट इज़ वैलिड फ्रॉम लेट्स सपोज एट ए एम टू फोर पी एम आप वहाँ परमिट पर डेट फिल करने के बाद टाइम फिल करने के बाद अपना सिग्नेचर कीजिएगा जब सिग्नेचर हो जाता है तो उसके बाद वो टीम जो है वो काम शुरू कर सकती है नाउ कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली जो है परमिट ऑथराइजेशन करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर्स को दी जाती है लेकिन कहीं हाई रिस्क जो वर्क इंडस्ट्रीज हैं ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री वहाँ पे जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं सीनियर इंजीनियर्स हैं उनको भी ऑथराइजेशन मिलता है कि वो परमिट को ऑथराइज कर सकते हैं इसके बाद काम शुरू होगा काम शुरू होने के बाद स्टेप नंबर सेवन After job completion, the task in charge clears the work site and ensures that the workers' work site is safe and in the same condition as before, and then closes out the permit. इसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा एक बात याद रखना है आपको कि आपने अगर परमिट ऑथराइज कर भी दिया है तो आपको पता है कि आपके लोकेशन में कहाँ कहाँ पर परमिट टू वर्क चल रहा है बीच बीच में आपको जाकर चेक करते रहना है कि सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो काम खत्म होने के बाद जो टास्क इंचार्ज है वो क्या करेगा साइट को पहले जैसे कंडीशन में मतलब जब उसने हॉट वर्क शुरू किया था उससे पहले साइट किस कंडीशन में था मतलब उसके काम की वजह से वहाँ जो हैजर्ट्स क्रिएट हुए हैं उन सारे हेजर्ट्स को खत्म करना वहाँ से साइन बोर्ड को हटाना फायर एक्सटिंग्विशर को वापस अपनी जगह पे भेजना साइट को प्रीवियस कंडीशन में वापस लौटाने के बाद जो टास्क इंचार्ज है मतलब जो परमिट रिसीवर है वो पहले परमिट को क्लोज करेगा परमिट को क्लोज करने के बाद फिर क्या करेगा वो ले जाएगा सेफ्टी ऑफिस में परमिट जमा करने के लिए तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा सेफ्टी ऑफिसर विजिट्स टी वर्क साइट एंड इंश्योर्स दैट इट इज सेफ एंड इन द सेम कंडीशन एज बिफोर आफ्टर दैट ही क्लोजेज आउट द परमिट सेफ्टी ऑफिसर एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको फोरमैन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है टास्क इंचार्ज पे उसने कहा कि सर मैंने साइट को पहले जैसे कंडीशन में कर दिया है तो आपको उसको क्या करना है आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है यू हैव टू विजिट द वर्क साइट आपको वर्क साइट पे जाना है और वर्क साइट पे जाने के बाद आपको इंश्योर करना है कि वो सेफ कंडीशन में है जब आप इंश्योर कर लेते हैं उसके बाद ही आप परमिट को क्या करेंगे क्लोज आउट करेंगे एक बार जब परमिट क्लोज आउट हो जाता है देन द परमिट इज फाइल्ड परमिट को फाइल किया जाता है जनरली सेफ्टी ऑफिस में फाइल किया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है परमिट टू वर्क का जो रिकॉर्ड है इट इज़ यूज इन ऑडिटिंग पर्पज़ तो आई डू बिलीव कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं सेफ्टी का या आप अपने साइट पे परमिट इशू करने के लिए आप इंचार्ज हैं ऑथराइज पर्सन हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि आप परमिट टू वर्क को इफेक्टिव ढंग से अपने साइट पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ आई डू होप कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो इंक्रीज़ किया हो नॉलेज आपका थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टेक केयर बाय